आसमानों पर लिखा। कॉम्प्रोमाइज माय फुट आलियान, मैं क्यों करूं ऐसा? बताओ मैं क्यों करूं ऐसा? ये तुम्हारी गलती थी और सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। बताओ मेरी गलती थी, मेरी गलती, प्लीज मेरा साथ दे दो। मैं दूसरी बीवी बन के मिजरेबल लाइफ नहीं गुजार सकती। फैसला तुम्हारा है, अगर तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना होगा। अदरवाइज तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। नताशा, जब मैं तुम और कुछ एक साथ नहीं रह सकते। आलियान, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इस तरह से मेरी इंसल्ट करने का। तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ताशा तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या दर्जा है मेरे लिए। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। स्टॉप इट, बस कर दो। बी प्रैक्टिकल नाउ बडी। तुम ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हो। I've lost you, Alian. पापा, आज मैं आपके साथ ताई मम्मी के ग्रेव पे चलूंगी। शायद ताई मम्मी को ये बात अच्छी ना लगे। आप अपनी कुशी आंटी के साथ उनके लिए घर में दुआ करें। पापा, कुशी आंटी ने बैग पैक कर लिया, वो अपने घर जा रही हैं, क्योंकि उनके मामा ने उन्हें बुलाया है। पापा प्लीज, आप उनकी मामा को मना करें ना कि उन्हें ना बुलाए। मैं आज नहीं कल जाऊंगी, और फिर एक ना एक दिन तो मुझे जाना है ना। जाना इतना भी जरूरी नहीं कुछ। यस, अब तो पापा ने मना कर दिया, आप तो अब नहीं जाएंगी। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगी, ठीक है? हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, और फिर जब मैं आपके घर रह सकती हूँ तो आप मेरे घर भी रह सकती हैं, है ना? आपा कहती थी जाने वाले को एक बार आवाज जरूर देनी चाहिए, क्या पता वो रुक जाए। कुछ लोगों की किस्मत में हमेशा सफर होता है। हर सफर की मंजिल जरूर होती है कुछ। अपसेट ना हो, तकदीर हमारा बुरा कभी नहीं चाहती। मुझे आंटी मेरी बात तो सुने। खाओ ना। सुल्तान, आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या होने वाला है? क्यों, कोई और कसर बाकी है? जब तक आलियान इस घर में है ना, कोई भी अच्छी बात की उम्मीद मत रखिएगा। बहुत जल्द आप आलियान और नताशा की डिवोर्स की खबर पढ़ रहे होंगे। क्या हो गया तुम्हें, बगैर सोचे समझे बोलती रहती हो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, बगैर सोचे समझे तो मैंने आलियान से शादी कर ली। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और अंकल, आपने जो कुछ भी आलियान की मॉम के साथ किया उसकी सजा वो मुझे क्यों दे रहा है? बस बेटा, ओके, रिलैक्स, मैं बात करता हूँ।
इसने जिंदगी अजाब कर रखी है। क्या बात करेंगे आप उससे? आलियन डिसाइड कर चुका है कि वो लड़की अब इस घर में रहेगी आप दोनों के साथ। आलियन कहता है मेरे डैड ने जो कुछ भी किया मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? यही तो मैं चाहती थी। आलिया, कहाँ है वो डिवोर्स पेपर्स? तुम्हें अभी और इसी वक्त उन पर साइन करना होगा। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। डैड, वो डिवोर्स पेपर्स मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। मैं कुछ को तलाक नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या बकवास शुरू कर दी तुमने? तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे, वो तुम्हारी बीवी बन के रहेगी, यानी सुल्तान मुस्तफा की बहू। ये कोई तुम्हारी थ्रिलर मूवी का क्लाइमैक्स नहीं है कि जिसके इख्तिताम पर सब कुछ ठीक हो जाता है। डैड, वो आपकी क्या कहलाएगी इस बात की आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी है, उसको प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो निताशा, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसकी फिक्र है तुम्हें? और तुम जानते हो इस तमाशे का क्या रिजल्ट होगा? उसका बाप तुम्हें और मुझे इस बिजनेस कम्युनिटी में जीरो कर देगा। कोई ख्याल है तुम्हें? प्लीज, कभी तो जिंदगी और बिजनेस को अलग लेके सोचा करें। कैसे सोचूं आलियान? हमें इसी सोसाइटी में रहना है, इन लोगों के साथ। क्यों मेरे सब का इम्तिहान ले रहे हो? आपको लोगों की परवाह है, नताशा तक की परवाह है। डैड, आपको मेरा कोई एहसास नहीं? तुम्हारा एहसास है। तुम अपनी इन हरकतों की वजह से बर्बाद हो जाओगे, अकेले रह जाओगे तुम। क्यों, आप नहीं होंगे मेरे साथ? हाँ, मैं तो भूल गया, तो कभी थे ही नहीं मेरे साथ। डैड, अगर नताशा के फादर उसका साथ दे सकते हैं तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकते? क्या साथ दूं तुम्हारा उस लड़की के लिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मगर मैं अपने हवासों में हूं। उस लड़की को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही है वो। मेरा और कुत्से का निकाह हो चुका है। And if I'm not wrong, तो शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निकाह ही होता है। No, उसके लिए कोई मैच होना जरूरी है, स्टेटस जरूरी है। ये सब कुछ मैटर करता है शादी के लिए। सब चीजें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए अहमियत रखती सिर्फ खुशी जो मुझे खुद से एक साथ होने से मिलती है। ठीक, अब मुझे उस लड़की से बात करनी होगी। जब आलियान भाई तुम्हें इतनी इज्जत और प्यार से ले जाना चाहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? कब तक इस तरह दूसरों के घर में जिंदगी गुजार दोगी?
दूसरों के घर में क्यों? मैं यहाँ पे सिर्फ ऐना की वजह से हूँ। मैं जानती हूँ कि अम्मी को मेरा आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो घर मेरा भी तो है, मेरा भी तो उतना ही हक है। बस यही इसकी फजूल सी जिद है। अम्मी तो इसे कब से बुला रही है, लेकिन ऐसा करके ये हमको भी अजियत देती है और अपने आप को भी। पता नहीं तुम क्यों इतनी अजियत पसंद हो गई, सब तुम्हें अपने घर से इतना मान मिल रहा है, तो प्लीज नाशुक्री मत बन। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ। अगर आलियान मुझे अपनी बीवी भी मान ले तब भी कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा और उनका कोई मैच नहीं है। लेकिन कुत्सिया, जब आलियान भाई तुम्हारे साथ होंगे ना, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, आलियान मुझसे तंग आ जाएंगे, ऐसे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। कुत्सिया, जो लोग हमारी परवाह करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जब वो जिंदगी में आ जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। मोहब्बत जब एहसास के साथ मिले तो रिश्ते बोझ नहीं बनते। मोहब्बत, मोहब्बत तो सिर्फ आलिया नताशा से करते हैं, मैं बस इतना जानती हूँ। और तुम, क्या तुम्हारे दिल में कहीं भी आलियान भाई नहीं? जरूरी तो नहीं जो मेरे दिल में हो वो मेरी जिंदगी में भी आ जाए। मेरे जाने से मेरी हैसियत थोड़ी बदल जाएगी। आप मेरी बात तो मानते नहीं, लेकिन मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि ये सारी साजिश उस औरत की है। खुद तो मर गई और हमारे लिए एक नया अजाब पैदा कर दिया। ये मिडिल क्लास औरतें अगर ऐसे तमाशे ना करें तो उनके घर कैसे चले? क्या मतलब? यानी मतलब भी मैं आपको समझाऊं, वो औरत जाते जाते आपके साथ क्या खेल खेल गई ये भी मैं बताऊं आपको? वो इस बहाने आलियान को अपनाना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब हो गई। मगर वो ऐसी होशियार औरत नहीं थी। वो ऐसी औरत थी सुल्तान। और बाय द वे, आपको उसके साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? खुद तो मर गई और उस लड़की को आलियान के पीछे लगा दिया। लेकिन सुल्तान, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले आप। मैंने सारी जिंदगी आलियान की बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन उसे नताशा की जिंदगी खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम अभी तक अपनी बीवी को लेने नहीं गए? चला जाऊंगा। पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। प्लीज आलियान, जस्ट लीव मी अलोन। मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। दोस्तों की तरह इश्यू रिजॉल्व नहीं कर सकते? काश कि हम दोस्त ही रहते, शादी ना करते, फिर शायद ये इश्यू रिजॉल्व कर सकते थे। साशा, प्लीज आलिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज मुझे तंग मत करो। आशा, लिसन,
तुम शमशा को कब से जानती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? तुमसे पूछ रहा हूं लड़की। बस प्लीज खामोश हो जाए। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उनका नाम इस तरह से लें। मेरा उनके साथ जो भी रिश्ता है वो आपका मसला नहीं है। आपका जब दिल करता है मुझे बेइज्जत कर देते हैं। शमशा ने भेजा था तुम्हें आलियान के लिए? मुझे किसी ने नहीं भेजा था। आपके बेटे ने 500 लोगों के सामने मुझसे निकाह किया था और मैं उस निकाह को नहीं मानता। बेहतर है कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। सुल्तान साहब, मैं भी इस निकाह को नहीं मानती। नहीं हूं मैं आपके बेटे की जिंदगी में। मैंने आपके बेटे से कह दिया है कि मुझे डिवोर्स दे दें। आप अपनी इज्जत शान और शौकत बचा के रखें। शट अप। सुल्तान साहब, आपकी भी अगर कोई बेटी होती उसके साथ इस निकाह जैसा हादसा हो जाता तो आप क्या करते? बेटियों के रिश्ते दौलत से नहीं किस्मत से बनते हैं सुल्तान साहब। कुत्सी, आपको जितना रोना है एक बार रो ले, लेकिन इसके बाद मैं आपको रोने नहीं दूंगा। वो समझते हैं मैं शमशा हप्पा के पास आलियान की वजह से आई हूं। वो इस हद तक भी सोच सकते हैं? कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपका फैन हो चुका हूं। आपने बहुत करेज के साथ उनका सामना किया है। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। शायद बड़े लोगों के पास दिल ही नहीं होता। अच्छा ना, प्लीज अब आप मेरे दिल का इम्तिहान मत लें। अच्छा प्लीज चेयर अप, बहुत देर से चाय का मूड हो रहा है। मैं बनाऊं? क्या बनाएंगे? नहीं, मैं बनाती हूं। आप चाय बना लें, फिर मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूं। ऐना को अपने साथ ले चल। अब वो आपकी है, आपकी मर्जी है। मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने आपके डैड से भी कह दिया है मैं इस निकाह को नहीं मानती। नहीं हूं मैं आपकी जिंदगी में। खुदा के वास्ते आप मुझे माफ कर दें, मेरी जिंदगी से चले जाएं, मुझे छोड़ दें अकेला। मेरी सच्चाई तो आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरी तरफ से क्यों नहीं बोलती ये बातें? यही तो प्रॉब्लम है आपका। आप अपनी लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। आपने एक निकाह किया, वो समझ नहीं आया तो दूसरी शादी कर ली। शमशा आपा आपके लिए रोती रही, आपने उन्हें रोने दिया। आलियान, मुझे तो कभी कभी आपकी समझ ही नहीं आती। मैं नहीं समझ पाती आपको। आपकी मम्मी ने शमशा आपा को घर से निकाल दिया। कल नताशा जिद करे आप मुझे घर से निकाल दें, फिर मेरा क्या होगा? कहां जाऊंगी मैं? एक मिनट, मम्मी ने क्या किया था? आपकी मम्मी मां नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए आपके डैड ने शमशा आपा से शादी की थी। और फिर जब आपके डैड बाप बन गए तो शमशा आपा का काम खत्म हो गया। शायद आपकी क्लास में मां बनना मुश्किल होता है और मम्मी कहलाना आसान। मुझे तो बहुत डर लगता है कल को यही सब कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। नहीं हूं मैं बहादुर शमशा आपा की तरह। अच्छा, आपको अपनी शमशा आपा के बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? सुल्तान साहब, आपकी भी अगर कोई बेटी होती उसके साथ इस निकाह जैसा हादसा हो जाता तो आप क्या करते? बेटियों के रिश्ते दौलत से नहीं किस्मत से बनते हैं सुल्तान साहब।
वैसे भी जिस किस्म की हरकतें इस घर में होती हैं उससे इज्जत बनती नहीं, डैड चली जाती है। आंटी आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो खुद भी नहीं पता। डैड, मुझसे किसी ने कहा है मम्मी कहलाना तो बहुत आसान होता है लेकिन मां बनना बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है डैड कहलाना बहुत आसान है बनना आलिया, मैं बहुत थक गया हूं बेटा, आराम करना चाहता हूं, तुम भी जाओ आराम करो, इस मौजू पे हम फिर कभी बात करेंगे। नहीं डैड, नहीं, हम अब इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे यह कहने आया था कि जो आपने मेरी मां के साथ किया वो मैं कुत्सिया के साथ कभी भी नहीं करूंगा। आलिया, तुम्हारी मां बहुत अच्छी औरत थी, बहुत ही खुददार, अपनी अना को अजीज रखने वाली, मगर हकदार को हक सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब वो उसके लिए एहतजाज करता है। अना से औरत मजबूत तो हो जाती है लेकिन रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। तुम ये सब कुछ इतनी जिद मत करो, इस जिद का किसी को फायदा नहीं। नताशा, नताशा, प्लीज, नताशा, प्लीज, मेरी कोई बात समझो, प्लीज मेरी बात सुन लो, किसी को इस जिद का फायदा नहीं। जब तक तो वो लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम उसके पीछे पड़ गए हो, उसकी परवाह करने लग गए हो, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आलिया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं अपनी चीजों को लेकर बहुत पोजेसिव हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझे चीज समझा है। नताशा, मैं चीज नहीं हूँ। I'm a human being. I have feelings. I have problems. नताशा, अगर तुमने मेरी कभी feelings और problems को समझा होता तो आज हम यहाँ पे ना होते। नताशा, please. I'm literally begging you. एक दफा सोच लो, हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, दोनों की जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाएगी। नहीं, हमारी जिंदगी प्रॉब्लम में नहीं आएगी, बल्कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे चले जाने से हम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि तुम उस लड़की को नहीं छोड़ सकते और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसको अलग कर लेके तुम दोनों अलग अलग रहोगे। आलियन, ये तो बहस ही नहीं है कि वो कहाँ रहेगी, बहस तो ये कि वो तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी, और बहस ये भी है कि तुम उसे भी प्यार करोगे और मुझे भी। Anyhow, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन मेरे पीछे जरूर आओगे। मैं जाते जाते तुम्हें एक नया प्रॉमिस देकर जाना चाहती हूँ। प्रॉमिस नहीं आलिया, तुम मुझे नहीं भूलोगे, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। Know that I really love you, right? Take care. तो तुमने नताशा को रोका नहीं? रोका था, उसने रोकना ही नहीं था, वो हमेशा से जाना चाहती थी। और तुम आलिया? मैंने अमेरिका में नहीं रुकना था, अगर मुझे रुकना होता तो मैं कभी आता ही नहीं। ये बात आपको अजीब लगेगी लेकिन मैं एक बहुत ही नेशनलिस्टिक और पेट्रियाटिक आदमी हूँ। मुझे लगता है हमारे मुल्क की जितनी खूबियाँ जितनी खामियाँ हैं, वी हैव टू ओन देम ऑल, और हमें ही डिफरेंस क्रिएट करना है। इसी सोच पर तो नताशा मेरा मजाक उड़ाती थी। इतने ज्यादा डिफरेंसेस, इसके बावजूद शादी? तुम दोनों की शादी कैसे होगी आलिया अंतर? वो कहते हैं ना, आसमानों पे लिखा था। तुम कब से ऐसी बातों को मानने लगे आलिया? नहीं मानता था कभी भी, बट रिसेंटली मेरी और कुस्या की जिस तरीके से मुलाकातें हुई, एक्चुअली हमारी पहली मुलाकात में शादी हो गई, सब कुछ मुझे फिल्मी लगता था। अगर आप नॉर्मली इसके बारे में सोचें तो आपको ये बातें बहुत फिल्मी लगेंगी, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, सब हकीकत है। अगर हकीकत में ऐसी बातें होती हैं तो वो अगर किस्मत की वजह से नहीं हुई तो फिर किसकी वजह से हुई? आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, व्हाटएवर इज डेस्टिन्ड टू बी इज गोइंग टू बी। तुम्हें कुछ ऐसे मोहब्बत कर रही है? पता नहीं, उसे बहुत मिस करता हूँ, उसके बारे में सोचता भी रहता हूँ। एंड आई नो दिस इज गोना साउंड सेल्फिश, लेकिन कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं उसे मिस कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे मिस करी है या नहीं? अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो वो मेरे बारे में सोच रही है या नहीं? अब अगर इसे मैं मोहब्बत ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? उसको कैसे मालूम होगा तुम उससे मोहब्बत करते हो?
इस बारे में बहुत सोचा था, अगर उसे कोई समझा सकता है तो वह आप। I know she's a very stubborn girl, लेकिन शाहनवाज भाई प्लीज, I'm actually asking for a favor. उसे सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। देखो आलियान, तुम दोनों ऐसे मकाम पर पहुंच चुके हो जहां एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी है, समझाना बहुत मुश्किल है। आपको तो फिलोसफर होना चाहिए था, आप पायलट कहां से बन गए? शायद ये भी आसमानों पे लिखा है आलियान। नाइसली। अगर अगर सब कुछ आसमानों पे ही लिखा होता है तो फिर हम इंसान इतने प्लान्स क्यों बनाते हैं? अजीब सी बात है ना। आलियान उठ जाइए, फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठाया। वो कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है मगर मुझसे ज्यादा नहीं, और मैं बस सोच कर रह जाती हूँ, कह नहीं पाती। जिंदगी के सारे दिलकश रंग जब मिलते हैं तो आपकी आंखों का रंग बनता है, सोते में जागती हुई आंखें। अब उठ भी जाएगी आलियान साहब, कितना सोएंगे? अगर नहीं उठूं तो मिसेज आलियान साहब, तो मैं आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंक दूंगी अभी और इसी बात। उठे बात प्रॉमिस कर सकती हैं मुझे आप? अब आपकी आंखों में सिर्फ मैं देखना चाहिए हूं, मुझे आंसू नहीं देखने हैं। आपसे एक बात पूछूं? इस तरह की बातें मत किया करो, वापस जाने का दिल ही नहीं चाहता। अब बात तो मैं भूल गई,
छोटे साहब ये क्या है? ये शायद छोटी बेगम साहबा के गिर गया है। सब मुकद्दरों की बात है, जो आसमानों पे लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता।